असलम डी एस डैंस टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज नॉन फाइनाइट वस गाइज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है ये आपके मैक्सिम प्रॉब्लम जो ट्रांसलेशन में पैदा होते हैं कि यस इस इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाए लाइक like दैट मैंने आपसे कहा कि वह हँसता है तो बहुत आसानी से आप ट्रांसलेट कर देते हैं लेकिन अगर यहीं पर बोला जाए वह हँसाता है वह जाता तो है उसने मेरा काम करवा दिया उस, उसको मैंने आते हुए देखा इस तरह मैंने फलों से लदा हुआ बागीचा देखा इस तरह के ट्रांसलेशन को अगर रियली आप चाहते हैं बहुत आसानी से बहुत ही आसानी से करना तो प्लीज कीप ऑन वाचिंग दिस सीरीज नॉन फाइनाइट वर्ब लेट्स सी नॉन फाइनाइट वर्ब को समझने के लिए सबसे पहले फिर से हमें फ्लैशबैक में जाना है हमने आपको पढ़ाया इस टॉपिक को इसीलिए फ्लैशबैक शब्द का यूज कर रहा हूं वर्ब वर्ब व्हाट इज वर्ब इज ए पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हिच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन रिगार्डिंग इट्स एग्जिस्टेंस पजेशन एंड एक्शन यस गाइज व पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो टुकड़ा है जो नाउन के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन देता है उसके एग्जिस्टेंस के बारे में पजिशन के बारे में एक्शन के बारे में एग्जिस्टेंस का मतलब वजूद अस्तित्व पजेशन किन चीज़ों पर उसका अधिकार है और एक्शन वो नाउन करता क्या है तो किसी भी नाउन के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन देने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा टुकड़ा है वर्ब और वर्ब नाउन के बारे में तभी मुकम्मल इंफॉर्मेशन देगा जब वो किसी सेंटेंस या क्लॉज में वो नाउन सब्जेक्ट के शक्ल में आए या फिर पैसिव का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आए अगेन वर्ब इज ए पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच विच गिव्स complete information of noun regarding its existence position and action let's see kinds finite verb non finite verb finite verb हमने ऑलरेडी आपको पूरा डिटेल पढ़ाया है टेंस एंड एक्सेप्शन चैप्टर के जरिए verb with agent is called finite verb जब सेंटेंस में या क्लॉज में वॉब सब्जेक्ट के साथ आता है सब्जेक्ट के लिए आता है सब्जेक्ट उसे हैंडल करता है किसे वॉब को सब्जेक्ट उसे ऑपरेट करता है तो समझ जाइए इस वक्त वॉब किसके साथ आ रहा सब्जेक्ट के साथ जिसे हम लोगों ने यहाँ बोला है वॉब विद एजेंट वर्ब विद एजेंट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्व मतलब जब वर्ब सब्जेक्ट के साथ आए और सब्जेक्ट उसे ऑपरेट कर रहा हो हैंडल कर रहा हो तो ऐसे वर्ब को हम क्या कि, कि किस नाम से जानते हैं फाइनाइट वर्ब और डिफिनेशन में वर्ब विद एजेंट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा इसके काइंड्स को थ्री वॉब टू बी वब टू हैब ऑफ एक्शन बाद में वब ऑफ एक्शन को हम लोगों ने टाइम के रेफरेंस में जब डिवाइड किया तो इंडिफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बाद में फिर हमने वब ऑफ एक्शन को जब विद रिफ्रेंस व ऑब्जेक्ट हैंडल किया तो ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव इगेटिव वर्ब आया और इसी के दायरे में ऑगजलरी वॉब भी हम लोगों ने पढ़ा है एंड लेट्स ए सम एग्ज़ाम्पल She is down with fever, उसे बुखार है I am in debt. I am in debt, I am in debt. मैं कर्ज में हूँ। You have great wit, आप में बड़ी होशियारी है He has no regret, उसको कोई पछतावा नहीं है You pronounce wrong name, आपने गलत नाम लिया है He could hit you, वह तुम्हें पीट सकता था यू नीड नॉट से सो आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं गाइज आप देख सकते हैं ही इज डाउन विथ फीवर में शी इज डाउन विथ फीवर में शी इज ये इज व टू बी है शी सब्जेक्ट है शी और इज इज किस के लिए आया है शी के लिए आया है आ एम इन डेट मैं कर्ज में हूँ आई एम इन डेट बी साइलेंट रहेगा डेट में बी साइलेंट है आम इन डेट यहाँ आई एम सब देखिए वर्ब विद एजेंट मतलब सब्जेक्ट और वर्ब साथ आए हैं और सब्जेक्ट ही वर्ब को ऑपरेट कर रहा है यू हैव ग्रेट विट देख सकते हैं यहाँ वर्ब टू हैव है ही हैज़ नो रिगरेट उसमें कोई पछतावा नहीं है यू प्रोनाउंस रॉन्ग नेम यहाँ से वर्ब ऑफ एक्शन शुरू हो रहा है यू प्रोनाउंस रॉन्ग नेम ही कुड हिट यू वह तुम्हें पीट सकता था यू नीड नॉट से सो यहाँ जो नीड है गाइज यहाँ हेल्पिंग वॉब का काम कर रहा ये है need, to, ये सेमी ऑक्सिलरी वॉब है नी डेयर यूज टू ये डेफिनेटली आई विल टीच यू सेमी ऑक्सिलरी वर्ब आई डेंट टीच बट इनशाला वेरी सोन आई विल टीच यू तो इस वक्त ये सारी चीज़ें हम मैं डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ फाइनाइट वॉब के बारे में बिकॉज ऑलरेडी आई हैव टॉट इन ऑलरेडी आई हैव टॉट इन एक्सेप्शन सीरीज बट टूडे वी हैव टू स्टडी नॉन फेनाइट वॉब आज से हम लोग नॉन फेनाइट वर्ब शुरू करते हैं नॉन फेनाइट वॉब वर्ब विदाउट एजेंट इज नोन एज नॉन फेनाइट वॉब वर्ब विदाउट एजेंट इज नोन एज नॉन फेनाइट वॉब यस गाइज जब वर्ब सब्जेक्ट के बगैर आता है सब्जेक्ट उसे ऑपरेट नहीं कर रहा होता है बगैर आता है मतलब सब्जेक्ट उसे हैंडल नहीं कर रहा है किसे वर्ब को तो समझ जाइए अब वॉब किस नाम से जाना जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब और वो वर्ब इस तरह के वर्ब दिखने में तो वर्ब जैसे होते हैं बट एक्चुअली वो नाउन या एडजेक्टिव का, का काम करते हैं यू कैन सी अ नॉन फाइनाइट वर्ब ओनली लुक्स लाइक वॉब बट एक्ट्स एज नाउन और एजिकटिव अगेन वर्ब विदाउट एजेंट इज नोन एज नॉन फाइनाइट वर्क एजेंट का मसला एजेंट का मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ही है एक्चुअली ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया है क्योंकि जब पैसिव में हम बात करते हैं तो उस वक्त ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का काम करता है इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट मैंशन कर दिया गया अदरवाइज सब्जेक्ट ही है

आपके कन्वर्सेशन में ये सारे सेंटेंसेस बहुत इस्तेमाल होंगे ग़लती करना इंसानी फितरत है टू एर इज़ ह्यूमन टू एर इज़ ह्यूमन टू एर इज़ ह्यूमन टू एर के नीचे हमने अंडरलाइन किया है ये एक्चुअली सिंपल फुल इंफिटिप है इनके डिटेल डेफिनेटली आई विल टीच यू अभी हम लोग सिर्फ सेंटेंसेस को पिकअप करते हैं माफ़ करना कुदरत की खूबी है To forgive is divine. To forgive is divine. पढ़ने से इंसान होशियार होता है मतलब पढ़ाई इंसान को होशियार करती है रीडिंग मेक्स मैन विटी यहाँ आप देख सकते हैं रीडिंग जीरेंड है कैसे है क्या पहचान है किस तरह से समझना है डेफिनेटली इसके सीरीज़ के ज़रिए आप लोग सब जान जाएंगे पढ़ने से इंसान होशियार होता है रीडिंग मेक्स मैन विटी लिखने से इंसान मुकम्मल होता है राइटिंग मेक्स मैन परफेक्ट अब आप थोड़ा सा मैं रेडिकुलस कर रहा हूँ मैन का मसला ये नहीं कि वुमेन के लिए नहीं बोला गया है फ्रेंसिस वैकन ने इस दोनों कोटेशन को मैन का कॉन्सेप्ट जो दिया है वो पर्सन से दिया है पर्सन का मतलब दोनों से मैन और वुमेन दोनों तो रीडिंग मेक्स मैन विटी राइटिंग मेक्स मैन परफेक्ट लिखने से इंसान मुकम्मल होता है राइटिंग मेक्स मैन परफेक्ट धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ यह तुम्हारी करतूत है दिस इज़ योर डूइंग और अगर आप इसी सेंटेंस को ऐसी ये तुम्हारा कहना है ये तुम्हारा कहना है तो दिस इज योर सेइंग अगर बोला ये तुम्हारी लिखावट है तो बोला जाए दिस इज योर राइटिंग और ये डूइंग राइटिंग सेंग ये सब जीरेंड है तो दिस इज़ योर डूइंग ये तुम्हारी करतूत है मेरा आना तुम्हारी मुश्किलें बढ़ा देगा माई कमिंग विल इनक्रीज योर प्रॉब्लम एक ही बात की रट लगाना अच्छी बात नहीं एक ही बात की रट लगाना अच्छी बात नहीं हापिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग इज गुड एच ए आर पी आर एन जी हापिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग इज एंट गुड हापिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग इज एंट गुड यस गाइज भोंकने वाले कुत्ते मुश्किल से काटते हैं बाकिंग डॉग्स सेल्डम बाइट सेल्डम बाइट डॉग्स सेल्डम बाइट तैरना एक अच्छा व्यायाम है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज कल मैंने तुम्हें रोड क्रॉस करते हुए देखा देख कर यकीन होता है Seeing इज believing. दोनों ही gerund है या देखना यकीन दिलाता है सींग इज believing। तुम मुझे रुला नहीं सकते यू कांट मेक मी वीप यहां मेक वॉब है और वीप क्या है बेयर इन्फिटिव ये सारी इंफॉर्मेशन वन बाय वन इन आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप बहुत कूल cool होकर के इन्हें पढ़ेंगे मैं तुम्हें यहाँ मैं तुम्हें वहाँ रुकने नहीं दूंगा आई वॉन्ट लेट यू स्टे देयर स्टे बेयर इन्फिटिव है हमें चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए वी शुड नॉट अलाइट फ्रॉम मूविंग ट्रेन ये मूविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है वी शुड नॉट अलाइट फ्रॉम मूविंग ट्रेन वह जा चुका है ही इज़ गॉन गाइज़ वह जा चुका है का सेटअप ऑलरेडी हमने आपको टेंस एंड एक्सेप्शन के जरिए पढ़ाया है कि ही हैज़ गॉन और ही इज़ गॉन में क्या फ़र्क है आप कामयाब होंगे गॉड विलिंग यू विल सक्सीड गाइस गॉड विलिंग यहाँ प्रजेंट पार्टिसिपल एज ए नॉमिनेटिव एब्सल्यूट की तरह आ रहा है अभी सिर्फ आप ट्रांसलेशन कवर करिए इस सेंटेंस को कवर करिए डिटेल वन बाय वन इंशाल्लाह आई विल वक्त ने साथ दिया तो मैं आऊँगा टाइम परमिटिंग आई विल कम टाइम परमिटिंग आई विल कम मैंने फलों से लदा एक बागीचा देखा आई सॉ अ गार्डन लेडन विद फ्रूट्स लेडन पास पार्टिसिपल है I saw a garden laden with fruits. वह बाल कटवा रहा ही इज गेटिंग हेयर कट कट पास पार्टिसिपल है वो आपका थर्ड फॉर्म कट 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 मैंने आपकी चाय बनवा दी आई गॉट योर टी मेड या आई हैड योर टी मेड वह आपका काम करवा सकता है ही कैन गेट योर वर्क डन ही कैन गेट योर वर्क डन डन पास पार्टिसिपल है और यहां गेट वर्ब है और डन पास पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का काम करता है अब रोने से कोई फायदा नहीं इट्स नो यूज वीपिंग नाउ वीपिंग जीरेंड यहा उसे तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ा ही उसे तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ा ही इज कंपेल्ड टू बेयर यू यहां कंपेल्ड पास पार्टिसिपल है और टू बेयर फुल सिंपल फुल इनफिनिटिव मैं तुम्हारी मदद करने की हालत में नहीं हूं आई एम नॉट इन कंडीशन टू हेल्प यू आई एम नॉट इन कंडीशन टू हेल्प यू गाइज आप देख सकते हैं जितनी भी तरह के सेंटेंसेज हैं कहीं जी एंड का काम कर रहा आप नॉन फाइनाइट तो कहीं पार्टिसिपल कहीं इन्फिनी इसी बुनियाद पे काइंडस हम लोग देखेंगे पार्टिसिपल जी एन एंड इनफिनिटिव नॉन फाइनाइट के कितने काइंड्स होते हैं पार्टिसिपल जीरन इनफिनिटिव थ्री और अब हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे फर्स्टली पार्टिसिपल देन जीरन देन इन्फिनेटिव ओके गाइज टेक केयर थैंक यू सो मच